तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे LG 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर 2024 का नया मॉडल, जो कि Amazon में काफी अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। ये 5 स्टार एयर कंडीशनर Amazon में आपको 46,590 में आपको उसका प्राइस देखने को मिल जाता है ऑनलाइन Amazon पे। आज के इस वीडियो में हम इसी एयर कंडीशनर का रिव्यू करने वाले हैं। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड जरूर कर पाएंगे कि आपके लिए LG का ये 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर क्या बेस्ट एयर कंडीशनर होने वाला है या फिर नहीं। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, LG का 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर 2024 का नया मॉडल Amazon में 46,590 में अवेलेबल है। दोस्तों, ये 2024 का नया मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है TS Q19YNZE, यानी 2024 का ये नया मॉडल है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इस एयर कंडीशनर के सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस एयर कंडीशनर की अगर हम ISER रेटिंग की बात करेंगे तो इस एसी में आपको 5.20 की ISER रेटिंग देखने को मिल जाती है। एलजी का ये एयर कंडीशनर सालाना 744.99 यूनिट कंज्यूम करता है, यानी ये इस एयर कंडीशनर का एनुअल पावर कंजप्शन है। इस एयर कंडीशनर की अगर कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए 100% के हिसाब से, तो 5000 वॉट की आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर वहीं मैं इस एयर कंडीशनर की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो LG के इस एयर कंडीशनर में 5800 वॉट की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है आपको। LG के इस एयर कंडीशनर में अगर हम नॉइज लेवल की बात की जाए तो LG के इस एयर कंडीशनर में आपको 31 डेसिबल का नॉइज लेवल देखने को मिल जाता है, यानी ये एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। दोस्तों अगर रूम कवरेज की बात की जाए, यानी ये एयर कंडीशनर कितना स्क्वायर फीट एरिया आपके लिए कवर करने वाला है, यानी ये LG का ये एयर कंडीशनर अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर कर लेगा। अगर आपका टेरेस फ्लैट है, टॉप फ्लोर है, डायरेक्टली सन हीटिंग आती है, रूम के आपके कमरे के अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे में 2 टन का एयर कंडीशनर लगाइए। दोस्तों, LG के इस एयर कंडीशनर के अंदर मुझे कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी बेटर लगी। दूसरा, ये एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। दोस्तों, नॉइज लेवल बहुत कम है इस एयर कंडीशनर में। एडजस्टेबल एसी है, यानी कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर है। आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से इस एयर कंडीशनर के टनेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। LG के इस 1.5 टन एयर कंडीशनर को 1.6 टन में भी कन्वर्ट करके चला सकते हो, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। दोस्तों, LG के इस एयर कंडीशनर में आपको ड्यूल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है। इस कंप्रेसर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दोस्तों, एक तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा होगी, यानी लाइट बिल बहुत कम आने वाला है। कूलिंग परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाला है LG के इस एयर कंडीशनर में। तीसरा, इस कंप्रेसर का दूसरा एडवांटेज ये होता है दोस्तों, इसमें नॉइसेबल वाइब्रेशन बहुत कम होता है, यानी कूलिंग अच्छी मिलेगी, पावर सेविंग ज़्यादा होने वाली है और नॉइस लेवल और वाइब्रेशन बहुत कम होता है। दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए LG के इस एयर कंडीशनर में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे के लिए LG के इस एयर कंडीशनर में आपको 100% कॉपर देखने को मिलने वाला है, वो भी हाई ग्रूव कॉपर। दोस्तों, ग्रूव कॉपर का एडवांटेज ये होता है कि आपको एसी के अंदर कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा एडवांटेज कि इससे एसी की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी कभी कुछ इशू आया, लीकेजिंग हुआ, तो इसे आप इजीली रिपेयर करवा सकते हो। मेंटेनेंस से बचने के लिए दोस्तों, एलजी के इस एयर कंडीशनर में काफ़ी बेहतर केमिकल कोटिंग देखने को मिल जाती है। एलजी एसी के आउटडोर यूनिट के कंडेंसर में देखने को मिलेगी आपको गोल्ड फिन्स की एंटी ग्रोजन कोटिंग, जो कि एसी के कंडेंसर को सालों साल सड़ने गलने से बचाती है, ताकि एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस पे कुछ भी फर्क ना पड़े। दूसरा, एसी की कॉइल्स अगर ख़राब होती है तो उसमें लीकेजिंग का इशू भी आता है, तो यानी ये एसी आपके लिए मेंटेनेंस फ्री एसी होने वाला है। और एलजी के एसी के इंडोर यूनिट पे दोस्तों आपको ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन, जो कि यू बेंच्स को प्रोटेक्ट करती है, ताकि यू बेंच्स में लीकेजिंग का इशू ना आए। अगर दोस्तों मान लीजिए आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं, या आपके घर के आजू बाजू में बहुत बड़ा नाला, गटर वगैरह है, तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है दोस्तों, कोस्टल एरिया में जो एसी के अंदर लीकेजिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता है कोस्टल एरिया में, और फिन्स होती है ना दोस्तों, वो भी जल्दी ख़राब होती रहती है, जैसे एसी हीट एक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए एलजी का ये एयर कंडीशनर वन ऑफ द बेस्ट एयर कंडीशनर रहने वाला है कोस्टल एरिया के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो केमिकल कोटिंग है काफ़ी ज़्यादा सुपेरियर है। इस एयर कंडीशनर में मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, जो कि है दोस्तों कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर, वो भी AI कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर। दोस्तों, LG के इस एयर कंडीशनर को जैसे ही आप AI मोड में डालते हो तो AC चेक करेगा कि रूम के अंदर क्या टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, इन सभी पैरामीटर को एयर कंडीशनर चेक करता है और रूम के अंदर एक
कंफर्ट कूलिंग मेंटेन करके देता है, जिससे पावर सेविंग ज़्यादा होगी और आपको एक कंफर्टेबल फील कराएगा। या फिर आप अपने हिसाब से इस एयर कंडीशनर को आप अलग अलग टनेज में कन्वर्ट करके चला सकते हो, परसेंटेज में, जिसमें 80, 60, 40। आप एसी के टनेज को कम करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी ज़्यादा होगी। या फिर अगर आपके यहाँ पार्टी है, लोग ज़्यादा है, जब ऐसे में लोग घर में लोग ज़्यादा होते हैं तो कूलिंग कम लगती है, तो आप LG के इस AC के टनेज को इंक्रीज करके भी चला सकते हो विराट मोड की मदद से। तो दोस्तों ये तो हो गई बात परफॉर्मेंस की, अब बात करेंगे कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। दोस्तों LG के इस एयर कंडीशन में आपको कुछ सेफ्टी सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो कि आउटडोर यूनिट में लगे हैं। जैसे कि हम जानते हैं AC का आउटडोर यूनिट बाहर रखा होता है तपती धूप में, अगर आउटडोर यूनिट के अंदर अगर सेफ्टी सेंसर ना हो तो ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग होने से कंप्रेसर या उसके कंपोनेंट खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो LG के इस एयर कंडीशनर में कुछ सेफ्टी सेंसर आते हैं जिसका नाम है ADS सेंसर, जो कि एयर कंडीशनर के सारे पैरामीटर को चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ताकि एयर कंडीशनर में किसी भी वजह से कोई भी खराबी ना आए। दोस्तों ये ADS सेंसर जो होते हैं आउटडोर यूनिट के सभी पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, ताकि एयर कंडीशनर में कोई भी किसी भी तरह की खराबी ना आए, यानी AC को खराब होने से बचाते हैं। अगर आपके यहाँ दोस्तों पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत भी ज़्यादा होती है तो ऐसे में भी आपको LG के एयर कंडीशनर में अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है। LG एयर कंडीशनर का स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक काम करता है। ऐसे में अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएट भी होता है या बिजली के झटके आते हैं तो LG एयर कंडीशनर को सेफ रखता है, ताकि AC में कोई भी खराबी ना आए। मुझे LG के AC में दोस्तों एक फीचर और ज़्यादा अच्छा लगता है जिसका नाम है लो गैस डिटेक्शन। ये फीचर मेरा फेवरेट इसलिए, दोस्तों मान लीजिए अगर आपके AC के अंदर कभी भी गैस लीकेजिंग हो जाती है तो आपको पता नहीं चलता है और ऐसे में गैस पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, तो इस फीचर का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके एयर कंडीशनर में, LG के एयर कंडीशनर में कभी भी किसी भी वजह से गैस लीकेजिंग हो जाता है, LG AC उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और AC ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और LG AC के इंडोर यूनिट पे एरर कोड आ जाएगा जिसमें लिखा होगा CH38। इसका फायदा आपको सीधा ये होने वाला है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके कंप्रेसर में से एक बार गैस पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, गैस रिफिलिंग करवाने का चार्ज 3,500 से 4,000 रुपए होता है, जो कि इस फीचर की वजह से आपका ये पैसा बचने वाला है LG एयर कंडीशनर में। दोस्तों ये तो हो गई सारी बातें, अब बात करते हैं हम थोड़े प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। दोस्तों प्रोज की बात की जाए LG एयर कंडीशनर में, जो कि मुझे सबसे अच्छी एक चीज़ लगती है, LG के खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। तीसरा, केमिकल कोटिंग इसमें जो दी गई है उसकी मदद से दोस्तों AC में लीकेजिंग का इशू वगैरह नहीं आएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे LG का एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ इस एयर कंडीशनर में, तो मुझे एक कौन सा लगता है वो है इस एयर कंडीशनर का प्राइस रेंज। अगर इस AC का प्राइस रेंज थोड़ा सा कम होता, यानी AC थोड़ा सा और सस्ता होता, बजट में होता, तो ज़्यादा बेटर होता। सारे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से भी बात करेंगे तो LG का एयर कंडीशनर वन ऑफ द बेस्ट एयर कंडीशनर है। दोस्तों आपको LG का एयर कंडीशनर कैसा लगा, प्लीज़ आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। और दोस्तों LG के इस एयर कंडीशनर का जो मॉडल नंबर और बाइंग लिंक है दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो या फिर प्राइस चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।